क्या कर रहे हैं आप? ये सुनने नहीं आए हैं हम, उर्वशी का नृत्य देखने आए हैं। और ये क्या है? बीमार है आप? ये कौन सा राग है? राग बीमारी? हमें पहले से ही पता था। ये लेकर आइए आप वापस जरा। अरे उर्वशी कहाँ है? आप तक आई क्यों नहीं है? अब्बा हुजूर, अभी तो मामू जान भी नहीं है। हाँ झापनाज, बलदेव जी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, लेकिन इस बात से आप खुश हैं कि दुखी हैं कि वो यहाँ पर नहीं है? वैसे हमने उन्हें एक पड़ोसी देश में कुछ काम से भेजा है। अब पड़ोसी देश गए हैं तो वहां पर घूम फिर कर आएंगे वो। उन्हें रहने दीजिए, उर्वशी को बुलाइए। कहाँ है? रत्ना, मेरी रत्ना, कहाँ हो तुम? तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। मेरी रत्ना, कहाँ हो तुम? रत्ना, कौन है मक हमारे महल में इस तरह चिल्ला रहा है? रत्ना, मेरी रत्ना, रत्ना कहाँ हो तुम? तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। रत्ना, कौन रत्ना और आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरी रत्ना, मेरी प्रेमिका, उसे मुझसे मिलना ही होगा हुजूर। आ तो जाइए, मिलिए। यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हुजूर, मेरी रत्ना यही है, इसी महल में। हमारे महल में रत्ना? अरे हाँ बीरबल, वो रत्ना नाम की दासी नहीं है? जा बनाओ, 90 साल की। हाँ कहीं बोल तो आपकी प्रेम के का नहीं? अरे वो नहीं हुजूर, मेरी रत्ना तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, सबसे हसीन, सबसे कमसीन। भाइयों छोड़ दो इसे, हमारे महल में कमसीन, हसीन और खूबसूरत लड़की हमारी नजरों से कैसे चूक गई? मतलब कौन है ये जिसे हम नहीं जानते और हमारे महल में है? कौन है वो? नहीं रत्ना हुजूर, मेरी रत्ना, रत्ना जापना, हम आ गए। आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? आपके पीछे कोई रत्ना आ रही है। रत्ना कहाँ है? रत्ना यही तो है मेरी रत्ना। फफूंदी लगे अचार, ये तुम्हारी रत्ना नहीं, ये हमारी उर्वशी है। हमारी मतलब हमारे महल की उर्वशी है। ये उर्वशी नहीं हुजूर, ये तो मेरी रत्ना है, मेरी प्रेमिका। उर्वशी, आपका कोई प्रेमी भी है? छोड़िए। अरे इतनी गंभीर बात को कैसे छोड़े? अरे गंभीर बात को नहीं, इन्हें छोड़िए, हम तो इन्हें जानते तक नहीं। सुना, ये तुम्हें जानती तक नहीं है, अब तुम दफा हो जाओ, जाओ। कैसे जानेगी जापना, इसने तो नया जन्म लिया है, ये तो मेरे पूर्व जन्म का प्यार है। पूर्व जन्म का प्यार? हाँ जापना, आज से 200 साल पहले हम प्रेमी प्रेमिका हुआ करते थे। 200 साल पहले? लेकिन आप 20 साल से ज्यादा के तो खुद नहीं लग रहे हैं, फिर ये 200 साल? हाँ कुकू, आप सही कह रहे थे, वो 90 साल की दासी रत्ना ही इसकी प्रेमिका होगी। जापना, मैंने भी तो पुनर्जन्म लिया है। आपने भी पुनर्जन्म लिया है? हाँ जापना, आज से 200 साल पहले मैं राजा ध्यान सिंह के राज्य के उन बंजारों कबीले का सरदार था और उसी कबीले की बेटी रत्ना से प्यार करता था, पर राजा ध्यान सिंह के बेटे राजकुमार जान सिंह की नजर मेरी रत्ना पर पड़ गई और उन्होंने मेरी रत्ना को पाने के लिए कितने जतन किए। मैंने और मेरी रत्ना ने हमारे प्यार को बचाने की बहुत कोशिश की जापना, पर आखिरी में राजकुमार जान सिंह के सामने में टकरा नहीं पाए और आखिर में हमें अगले जन्म में मिलने की कसम खा के हमने दुनिया छोड़ दी। मैंने पुनर्जन्म लिया है जापना और मैं अपनी रत्ना को लेने आया। अगर आपको यकीन नहीं आता जापना तो आप जांच कर सकते हैं,
पिछले जन्म में मेरी रत्ना के दाएं घुटने में एक छोटा सा प्यारा सा तिल था, और मुझे पूरा यकीन है इस जन्म में भी उनके दाएं घुटने में वो छोटा सा प्यारा सा तिल होगा। ठीक है, दिखाइए। जापना मतलब आप खुद जरा देखिए और देख के हमें बताइए कि तिल है कि नहीं। हमारे दाएं घुटने में तिल है। यकीन आया जापना? आखिर में हमारा मिलन तो होना ही था। कृपया करके आप हमारे प्यार का साथ दे और मुझे अपनी रत्ना को यहाँ से ले जाने की इजाजत दे जापना। चलो रत्ना। अरे ऐसे कैसे चलो? हाँ अगर इत्तेफाक भी तो हो सकता है। अगर इन्होंने कहा कि रत्ना के घुटने पे तिल पिछले जन्म का, इस जन्म के उर्वशी के घुटने पे तिल है, तो इत्तेफाकन भी तो ऐसा हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि उर्वशी के पीठ पे मस्त है तो नहीं है, है? हमें कैसे पता कि उर्वशी के पीठ पे मस्त है? हमने तो ऐसे ही इत्तेफाकन बोल दिया। तो जैसे इनके घुटने का तिल वैसे हमारे पीठ का मस्ता, इत्तेफाक। नहीं वैसे बात तो सही है, इत्तेफाक तो होते हैं। अब यही इत्तेफाक ले लीजिए, रानी साहिबा हमसे रोज कहती रही कि आप मोटे हैं मोटे हैं मोटे हैं, और उस दिन हमने अपने आप को आईने में देखा तो हम वाकई में मोटे हैं, फिर तो इत्तेफाक की बात हो गई ना। इत्तफाक। खैर आप हमें बताइए कि और कोई सबूत है आपके पास, मतलब और कोई अगर तिल हो कोई? हाँ जापना। नहीं नहीं हमारा मतलब है तिल नहीं, कोई और सबूत जिसे आप साबित कर पाएं कि यही आपकी रत्ना है। ठीक है जापना, अगर आप चाहो तो राजा ध्यान सिंह के उन बंजारों की उजड़ी हुई बस्ती में जाकर देख सकते हैं। मेरी और मेरी रत्ना की सालों पुरानी तस्वीर आज भी लगी हुई है। तो मैंने वो मेरी रत्ना ने घंटों साथ बैठकर बड़े प्यार से एक चित्रकार से बनवाई थी। साबित तो करना होगा। दरबान जी हुजूर, अब तुरंत ये राजा ध्यान सिंह के राज्य में जाइए और ये 200 साल पुरानी तस्वीर लेकर आइए। आप चाहे तो जा बना वहां पे किसी से भी पूछवा सकते हैं कि अपनी प्रेमिका के लिए अंबर ने जान दी थी या नहीं। है? ये क्या बात हुई, प्यार आप दोनों ने किया और जान किसी अंबर ने दे दी? जापना अंबर मैं ही हूँ, मैंने अपनी रत्ना के लिए पुनर्जन्म लिया है। पुनर्जन्म, पिछला जन्म अगला जन्म, इनके बारे में हमने सुना तो बहुत है लेकिन कभी देखा नहीं है, लेकिन इन बातों को सुन के ना मजा बड़ा आता है। धन्यवाद जापना, आपने हमारे प्यार को समझा। चलो रत्ना। छोड़िए, ऐसे कैसे चलते हम आपके साथ? क्या इतना कहने के बाद भी तुम्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं आया रत्ना? नहीं। दो दिन साथ रहोगी तो सब याद आ जाएगा। दो दिन? चलो। अरे ऐसे कैसे चलो? हमारा मतलब है जापना उर्वशी को अपना पिछला जन्म याद ही नहीं है, तो दो दिन इनके साथ ऐसे? बात तो आपकी सही है, किंतु मैं याद नहीं दिलवाऊंगा तो इन्हें अपना पिछला जन्म याद कैसे आएगा जापना? बात तो इनकी भी सही है, हमें लगता है कि याद दिलाने के लिए इनका यानी कि अंबर का यहाँ पर हमारे महल में रहना जरूरी है। अगले कुछ दिनों के लिए अंबर आप हमारे मेहमान बन के हमारे महल में रहेंगे। क्या? दरबान इन्हें मेहमान खाने तक पहुंचा दिया जाए और वहां से ही आप निकल जाइए सीधा राजा ध्यान सिंह के यहाँ वो तस्वीर लेने के लिए 200 साल पुरानी। चलो। मेहमान है हमारे, ये प्रेमी भी है, चलिए पुनर्जन्म भी हुआ इनका। क्या आप गोद में उठा करके लेके जाए जहां पना? नहीं आप ऐसे ही ले जाइए, ले जाइए।
सुना सुना तूने अब्बा हुजूर ने क्या कहा? तुम चुप रहो। क्या मतलब? ऐसा फूफू ने कहा था ना? हाँ वही तो। नहीं भाई साहब आप चिंता मत करो, मैं कभी भी आपसे जुदा नहीं होऊंगा। तेरा हम क्या अचार डालेंगे? अच्छा अब मुझे पता चला, मतलब आगे चलकर आप उर्वशी का अचार डालने वाले थे? अरे हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम तेरा क्या करें। अरे सलीम भाई साहब मेरा कुछ मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करना है तो कुछ उस अंबर का करो, नहीं तो उर्वशी को ले जाएगा। अरे ऐसे कैसे ले जाएगा? मार मार के हम उसको उसका पिछला जन्म याद दिला देंगे। लेकिन पिछला जन्म तो उसे याद है ना? हाँ तो फिर अगला जन्म याद दिला देंगे। अरे सलीम भाई साहब जन्म ही याद दिलाते रहोगे क्या? ये जन्म वनम याद दिलाने से कुछ नहीं होगा। और आपने सुना नहीं, प्यार करने वालों का जन्म जन्म का साथ होता है, चिंता करो। अच्छा इसका मतलब उर्वशी और हमारा जन्म जन्म का साथ होगा? ओफो सलीम भाई साहब मैं आपकी और उर्वशी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंबर और रत्ना की बात कर रहा हूँ। अरे अंबर से अगर उर्वशी बचेगी तभी तो वो मेरी होगी ना। मेरी? ओ मतलब हमारी 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 होगी मतलब? ओहो मतलब आपकी होगी खुश। हमारी मतलब हमारी, और उर्वशी तो जरूर बचेगी लेकिन वो अंबर नहीं बचेगा। पिछले जन्म में भी वो एक राजा के बेटे के हाथों से मरा था ना, इस जन्म में भी वो एक राजा के बेटे के हाथों से मरेगा। राजा का बेटा कौन? अरे हम शहजादे सलीम शाइखून है हम। और राजा कौन? हमें लगता है कि यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, पिछले जन्म का। आज तू नहीं बचेगा। क्या हुआ मित्र बीरबल? आपके पास तो है हर मुश्किल का हल। अरे हर मुश्किल का हल तो है हमारे पास पर इसका नहीं है। इसका किसका? अरे इस अंबर का। उसे कैसे पता चला कि उर्वशी के दाहिने घुटने पर तिल है? आपको भी तो उर्वशी के बारे में काफी कुछ पता है। हमें तो क्या? हमें तो क्या? आप भी ना मित्र तानसेन। वैसे ही उसे पता है। आपके कहने का मतलब है जैसा हमारा और उर्वशी का, वैसे अंबर और उर्वशी का भी? मित्र बीरबल इस दुनिया में दो ही चीजें मशहूर है, एक दुनिया गोल और दूसरा प्रेम त्रिकोण। और जब भी प्रेम त्रिकोण आता है तीन में से एक गोल हो जाता है। आप ये गोल हमारे चेहरे के सामने क्यों करें? आपके कहने का मतलब है कि उर्वशी और अंबर का प्रेम कृत्य चल रहा है और हमें पता ही नहीं है? कैसे पता चलेगा मित्र बीरबल, कैसे पता चलेगा? आप इस जन्म के यार हैं, वो पिछले जन्म का प्यार है। आपको सचमुच लगता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ? हम सबका पुनर्जन्म हुआ है मित्र बीरबल, ऐसा किससे कहानियों में दिया है। तो फिर हमें अपना पुनर्जन्म याद क्यों नहीं है? किसी को याद होता है किसी को याद नहीं होता, ऐसा भी किससे कहानियों में दिया है। तो फिर नया जन्म लेने वाला क्या करे? अपने प्यार की कुर्बानी दे दे, ऐसा भी किससे कहानियों में दिया है। नहीं ये हमने तय किया है। आपने जो तय किया है वो बहुत ही घटिया है। मित्र बीरबल आप तो हमारी तरह बोल रहे। घटिया दीजिए, ताली दीजिए मित्र बीरबल। कहता है हम उससे पिछले जन्म में प्यार करते थे। अरे कहां वो और कहां हमारे बीरबल? हम उससे पिछले जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी प्यार नहीं कर सकते? इस जन्म में कर लो रत्ना। आप यहाँ? हाँ मेरी रत्ना। हम आपकी रत्ना नहीं है, हम उर्वशी हैं। ठीक है मेरी उर्वशी ही सही। छोड़िए हम आपकी उर्वशी नहीं बल्कि इस महल की उर्वशी हैं। ऐसा मत कहो रत्ना, पिछले 200 साल से तुम्हें पाने के लिए मैं आत्मा की तरह भटकता रहा। तो अभी भी भटकते हुए नजर आओ। ऐसे कैसे नजर आऊंगा, जब से तुम नजर आई तब से मेरा भटकना ही बंद हो गया। तुम्हें पाने के लिए तो मैंने पुनर्जन्म लिया है रत्ना। आगे मत बढ़ना, बना बना फेंक के मारेंगे।
तो तुम आगे बढ़ो रत्ना, थोड़ा तुम थोड़ा हम, ऐसी तो साथ चलेंगे। हमें साथ नहीं चलना है। ऐसा मत कहो रत्ना, याद करो रत्ना, याद करो, याद करो राजा ध्यान सिंह की सल्तनत, जहाँ पे हमारे बंजारों का कबीला था, नाचती तुम और गाता मैं। क्या आप पिछले जन्म में भी नृत्य करते थे? छोड़िए, हमें तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, हम चलते हैं। जहांपना की जय हो। जय। जहांपना, ये वो तस्वीर जो आपने मंगवाई थी? ओहो, अंबर और उर्वशी की। हाँ, अंबर और रत्ना की तस्वीर, दिखाइए दिखाइए। जी जान, ये देखिए। पिछले जन्म में ये दोनों बंदर थे जो उल्टे लटके हुए हैं। तो सच में अंबर और रत्ना है। और जहांपना, हमने पूछा भी वहां गांव वालों से, वहां के लोगों में अंबर और रत्ना की प्रेम कहानी बहुत चर्चित है, और इस प्रेम कहानी का दुखद अंत भी बहुत चर्चित है। चर्चित तो होगा ही, ये देखिए दोनों में कितना प्यार दिखाई दे रहा है, यानी कि ये अंबर लड़का जो कह रहा है वो सच, दोनों के बीच में बहुत प्यार हुआ करता था। जन्म जन्म का साथ है। छोड़िए, अब क्या हुआ? वो जो हमारे पिछले जन्म का प्रेमी है ना, हमें समझ नहीं आता हम उसके साथ क्या करें। वो जब देखो तब हमारे पीछे पीछे घूमता रहता है। तो आप उसके आगे आगे घूमना बंद कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे बंद कर दे? हाँ पता है, वो हमें पिछले जन्म की बातें याद दिलाना चाहता है, लेकिन वो झूठा है। पता है क्यों? क्योंकि उसने कहा कि हम पिछले जन्म में नृत्य करते थे, लेकिन हमें याद है हमारी मासी ने हमसे एक बार कहा था कि हम पिछले जन्म में चिपकली थे, चिपकली। तो पिछले जन्म में आपकी मासी क्या थी? चिपकली की मासी। अब बताइए ना आप, हम क्या करें? आप भले उसे याद करें ना करें, लेकिन वो तो याद दिलाएगा। रत्ना, आपने हमें रत्ना कहा? नहीं तो? तो फिर हमारे कानों को रत्ना क्यों सुनाई दिया? हमने कहा रत्ना। अरे आप यहाँ भी पहुँच गए। प्यार करने वाले तो साये की तरह होते हैं, और साये कभी जुदा नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। छोड़िए, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पीछे यहाँ तक आने की? आप यहाँ चले क्यों नहीं जाते? तो ये तो बादशाह का हुक्म है कि जब तक आपको अपना पिछला जन्म याद नहीं आ जाता, हम यही रह सकते हैं। तानसेन जी समझाइए इन्हें। इन्हें समझाइए। उर्वशी को अगर अपना पिछला जन्म याद आ गया तो वो हमें भूल जाएगी, लेकिन हम उर्वशी को कभी नहीं भूल पाएंगे। उर्वशी, छोड़िए, नहीं छोड़ सकते, टूट जाएगी। हमारा रास्ता छोड़िए। अरे उर्वशी, हम आपका रास्ता भी तो नहीं छोड़ सकते। क्यों क्यों नहीं छोड़ सकते? हमें जहां जाना होगा हम जाएंगे, जिसके साथ जाना होगा हम उसके साथ जाएंगे, हम अंबर के साथ जाएंगे। अरे ये क्या कह रही हैं आप? अंबर? वो हमारे पिछले जन्म का प्रेमी है ना? हाँ? कहाँ थे आप? हमें जहाँ बनाने बुलाया था। जहाँ बनाना? उन्हें हमारे सारे चाहने वालों से बहुत ही ज्यादा लगाव है, पहले आपसे और अब अंबर से। नहीं उर्वशी, ऐसा मत कहिए, हमारा दिल और मत दुखाइए, हम पहले से ही बहुत दुखी हैं। वो अंबर की कहीं 200 साल पुरानी कहानी शायद सच है। ये देखिए। उर्वशी, अरे उर्वशी संभालिए अपने आप को। उर्वशी, उर्वशी। रत्ना, 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 रत्ना। हाँ रत्ना, सुना तुमने, हमारी रत्ना। रत्ना हटिए, आप हटिए। तुम्हारा प्यार रंग लाया, तुम्हें तुम्हारा पिछला जन्म याद आ गया। रत्ना, ये उर्वशी नहीं, ये हमारी रत्ना है, रत्ना। और अब इसे हम जापना से मांग कर हमेशा हमेशा के लिए ले जाएंगे। उर्वशी, रत्ना, इसका मतलब
उर्वशी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। नहीं, नहीं।